स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। अजीकाल स्वागत है जी सारे दा। अज के शो के गल करा कि स्टूडेंट्स प्रेजेंट सिनारियो दे विच यूके अपलाई करना चाहिए। कैनेडा नॉन एस डी एस बहुत कोई वधिया रिस्पोंस नहीं दे रहा। ऑस्ट्रेलिया केड़े स्टूडेंट जिहड़े ने एलीजिबल नहीं तो यूके एलीजिबल हो सकते हैं, वो सारिया गल्लां अज के शो के करा। अज साडे नाल एज एन एक्सपर्ट मौजूद ने वीजा ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर रजीत सिंह पाल, स्वागत है। मेहरबानी दीपक जी, प्रोग्राम देख रही सारी ऑडियंस नू सत श्री अकाल जी। सो रजीत जी, मैं चाहूँगा कि एलीजिबिलिटी के पैमाने पर जो गल करिए, सो किहड़े स्टूडेंट्स ने जिन्हों यूके अपलाई करना चाहिए, जिहड़े समहाउ कैनेडा ते ऑस्ट्रेलिया जाना तो चाहते सी पर नहीं जा सकते। देखो यूके अगर गल करिए प्रैक्टिकली रिक्वायरमेंट की, मैं थोड़ी जी गल दसा तुम आइडिया हो जाएगा कि पहला तो एलीजिबल कौन कौन हैगा। यूके वास्ते जब तुम प्लस टू की है 17 या उस तो बाद यूके अपलाई कर सकते हो, इतों तुम्हें कलैरिटी हो जाएगी। हर कोई हो सकता आस्ट्रेलिया वाला रिफ्यूज़ या कैनेडा रिफ्यूज़ वाला इतने एलीजिबल ना हो। 17 तो बाद प्लस टू की हुई है या 17 की हुई है तो तुम यूके बैचलर डिग्री अपलाई कर सकते हो। हाँ, जे तुसी मास्टर इतने बैचलर की हुई इंडिया ऑलरेडी तो वो चाहे तुसी 10 साल पहला की चाहे 12 साल पहला की कोई फर्क नहीं पैंदा, तुहानू एडमिशन मिल जाता। ये दो कैटेगरी अंदर एडमिशन होंदा, जां बैचलर लई जां मास्टर लई। हुण जे कैनेडा वाले बच्चे की गल करिए, कैनेडा देखो पहली गल कैनेडा ते ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत ज़्यादा गैप ते वीजे नहीं दिंदा, ऑस्ट्रेलिया ते बिल्कुल नहीं दिंदा, तो ऑस्ट्रेलिया दो साल का गैप चकदा, उस तो ज़्यादा नहीं। कैनेडा की गल करिए कैनेडा भी जिहड़े प्लस टू तो बाद ज़्यादा गैप ते वीजे नहीं दिंदा। फॉर एग्जाम्पल हुण जिहड़ी रिफ्यूजल आई उस 18 पासपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ने, 19 पासपोर्ट भी काफ़ी एप्लीकेंट हैगे ने। तो मतलब जिहड़ा यूके दी एलिजिबिलिटी मैं स्टार्टिंग तां ही दसी, मतलब कि जिहड़ा कैनेडा तो प्लस टू वाला रिफ्यूज़ हो रहा जां 18 वाला प्लस टू की जां 19 प्लस टू वाला ज़्यादा है, 20 वाले भी कुछ बच्चे हैगे ने, तां तुसीं यूके लई एलीजिबल हो क्योंकि तुसीं मिनिमम बैंड होणगे ओवरऑल 6, 1 चो 5.5 जां 2 चो 5.5 जां 3 चो 5.5। वैसे फाइल नहीं लाता कैनेडा 3 चो 5.5 2 चो 5.5 वाला, स्टिल इन्नी रिक्वायरमेंट ते भी तुसीं यूके लई फुली एलीजिबल हो बैचलर प्रोग्राम वास्ते एडमिशन लैण लई। कैनेडा ट्राई कर लिया, इन्ना गैप पै गया 18-19 पासपोर्ट का, जो गैप पै गया उस तो बाद वीज़ा लेना औखा है क्योंकि ईवन 19 पासपोर्ट में मैं सजेस्ट करदा कि अगर 2-3 रिफ्यूजल लै लिया तो बहुत हो गया, हूँ यूके अपलाई कर लेना चाहिए 19 तो 20, 21, 21, 22। हूँ तो मई जो ना मिले तुम लेट हो तो सितंबर मिलेगा, तो 3 साल तो उपर का गैप है, तुम ऑलरेडी रिफ्यूज़ मतलब तुहाडा प्रोफाइल एम्बेसी च गया, उन्हां तुसीं छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 3 साल का गैप है तो उस तो बाद वीज़ा लेना एक नैक्सट टू इंपॉसीबल टास्क है, रेयर वीज़ा आते हैं, बट स्टिल ट्राई करना तो एक ट्राई होर कर लो। 18 पासआउट ना ट्राई करो, 19 पासआउट मैं ही कहाँगा कि हुण टाइम आ गया कि तुहानू यूके अपलाई कर लेना चाहिए, चाहे प्लस टू बेस से कर रहे हो जां तुसीं इत्थे बैचलर की हुई है तो रिफ्यूजल आ चुकी है, तुहानू इधर अपलाई कर लेना चाहिए। हुण अगे क्योंकि ये प्लस टू वाला बच्चा है, जिहड़ा प्लस टू वाला 17-18 पासआउट है, तुहाडे लई 1-2 साल यूके वास्ते बचे। मतलब जे हुण सोचो तो प्लस टू वाला जो 17 का पासआउट है, उन्हें बाद 2 डिप्लोमे बना के लाए, 19 पासआउट बन गया, उस तो बाद एक्सपीरियंस ला के वीज़ा लैण की कोशिश की, तो मैं दसदा कि यूके वास्ते प्लस टू का ही पासिंग ईयर बड़ा मैटर करता। यह ना हो कि कल डिप्लोमे यूके चलन ना तो प्लस टू तुहाडी जी 17 च हो, अगले साल 18 वाले एडमिशन देनी स्टार्ट कर देन, फिर तुम सोचो कि हाँ ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होया कैनेडा भी नहीं होया तो यूके कर लेते, यूके कहे कि नहीं जी असी एडमिशन नहीं देना। यह ना हो कि लीनियंट समझते समझते अपने हथों यूके भी निकल जाए। हर वो बच्चा जिहड़ा निराश हो गया, उन्हें कैनेडा ने वीज़ा नहीं दिता, आस्ट्रेलिया ने वीज़ा नहीं दिता, यूके उन्हें वेलकम करता, यूके नूं स्टूडेंट चाहिए ने 90% तो उपर बिना इंटरव्यू वीज़े आ रहे हैं, एंड 10% मैक्सीम इंटरव्यू रेशो है जिचो भी वीज़े अच्छे खासे रेशो च निकल रहे। हालांकि साढ़े पिछले 2 इनटेक के केसिस देखे गिण के 3 या 4 इंटरव्यू पूरे नहीं आए, तो वो भी सारे ने वीज़ा निकले, मतलब कोई स्टूडेंट की रिफ्यूजल नहीं। जो स्पाउस ने आपा जाना वो तो मैं कहना लगाओ ही यूके, कैनेडा तुम्हें पता ही है स्पाउस के रिजल्ट का की हाल होया पाया, जे स्पाउस के नाल जाना चाहते हो तो एक यूके है, बच्चे लैके जाना चाहते कट्ठे जा सकते हो वो यूके है। हाँ, कैनेडा ड्रीम आस्ट्रेलिया ड्रीम इतों खत्म नहीं हो जाता, यूके पढ़ते हुए भी तुम इन्होंने कंट्रिया का अटैम्प्ट कर सकते हो। इंडिया च बैठ के ट्राई करना तो बाहरली कंट्री वधिया कंट्री बैठ के ट्राई करना, जमीन आसमान का डिफरेंस है, जो वीज़ा ऑफिसर ने असैसमेंट करनी है। तो अगर डिटेल जानकारी चाहते हो, कोई कन्फ्यूजन रह जाता, 90-410-90-410 से कॉल करके मैनू आके मिल सकते हो। लुधियाना, अमृतसर, जलंधर 3 जगह पर साड़ी ब्रांचेस ने, 3 ऑफिस तुम आके मिलना तो अपॉइंटमेंट बना के इसे नंबर पर आ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, यूके बहुत वधिया ओपरचुनिटी दे रहा है, पर डिपेंड करता है कि थोड़ा प्रोफाइल कहो जिहा है, थोड़ा प्रोफाइल किहड़े कंट्री वास्ते बेस्ट एलीजिबल है,
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।